आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, थाना एकमादौला पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो सातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सातिरों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी व तवंचा कारतूस सहित चाकू किया बरामद। दोनों सातिर बदमाश आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्र में दे रहे थे वाहन छिनैती की वारदातों को अंजाम। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। सातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं इनको। इनका दो पहिया वाहन चोरी करने का गैंग है और इनके पास से कुल 4 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 अवैध तमंचा और कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। तो जो 6 गाड़ी बरामद हुए हैं वो इन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराए थे, जिसके FIR से कनेक्ट कर लिया गया है। इसका मतलब जो भी गाड़ी इनके पास से बरामद हुआ है उसके लिए पूर्व से FIR पंजीकृत है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। एक इत्मादपुर में पंजीकृत है, एक कोतवाली जनपद एटा में पंजीकृत है 978/21, एक थाना ताजगंज जनपद आगरा में 855/21, एक 76/21 लोहा मंडी आगरा में और 21/21 कमला नगर आगरा में। तो कुल मिलाकर इनके पास से इतने गाड़ी बरामद किए गए हैं और इनको आज जेल भेजा जा रहा है, इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये इस बात की हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं, लेकिन इनके ऊपर हम लोगों ने जो इनके पास मोटरसाइकिल बरामद की उसको हमने ट्रेस किया तो विभिन्न जगहों मुकदमों में उसको हम लोग पाया। इनका नाम है दशरथ जाटो उर्फ फौजी और योगेश कुमार जाटो उर्फ नेता। इन दोनों को वाहन खराब कर रहे हैं वो किसी और वारदात में भी इस्तेमाल हुए? अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, इन सब की जांच की जा रही है। तो चोरी के वाहन कबाड़े में बेचते थे या फिर लोगों को बेचते थे, क्या पता चला? ये चोरी के वाहन ये कबाड़े में अधिकतर बेचते थे और कुछ गांव के क्षेत्रों में बेच दिया करते थे। अभी पूछताछ की जा रही है और जो भी सामने आएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।